नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने वाराणसी दौरे के दौरान काल भैरव मंदिर में पहुंचकर दर्शन पूजन किया और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। तस्वीरें वाराणसी से हैं, जहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की। बदायूं से सांसद आदित्य यादव ने बिजली की समस्या को लेकर विद्युत आपूर्ति के संबंध में ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की। पत्र में उन्होंने लिखा कि जनता अघोषित विद्युत कटौती से जूझ रही है, जिला अस्पतालों में भी बिजली की समस्या से लोग परेशान हैं, बिजली की व्यवस्था चौपट है, सिंचाई का एकमात्र साधन विद्युत आपूर्ति ही है, विद्युत आपूर्ति सुचारू ना होने से फसल सूख रही है, विद्युत अधिकारियों से शिकायत के बाद भी किसी तरह का समाधान नहीं हो रहा है। इसके साथ ही आदित्य यादव ने लिखा कि बिजली कटौती के चलते क्षेत्र की जनता में रोष है। खबर बंदायू से है, जहां लोग बिजली कटौती की समस्या को लेकर परेशान हैं, जिसके बाद सांसद ने खुद ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखा है। इस दौरान उन्होंने तमाम समस्याओं को लेकर ऊर्जा मंत्री को अवगत कराया। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि किसानों को परेशानी हो रही है, तो वहीं गर्मी के मौसम में लोगों को बिजली कटौती की वजह से काफी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। इन्हीं सभी समस्याओं को लेकर सांसद ने ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखा है। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना भी की। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे हैं। इस दौरान वो बेहद भक्ति भाव में नजर आए। उन्होंने भगवान की आरती की और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। तस्वीरें वाराणसी से हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी बाबा के दरबार पहुंचे और उन्होंने काशी बाबा की पूजा अर्चना की। इसके साथ ही उन्होंने देश और प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना भी की। नारायण
भगवतो महापुरुषस्य विष्णुरात्मया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोल्लेखित पराधे विष्णुपदे श्री श्वेतवाराह कल्पे मैवस्मत् मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथम चरणे घोरलोके जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तैक देशान्तरगते अभिमुक्त वाराणसी क्षेत्रे आनंदवने महाश्मशाने गौरी मुखे त्रिकंटक विराजिते भागीरथ्याः भगवत्याः पश्चिम दिग भागे विक्रम सके बौद्धावतारे वर्षे अस्मिन् पिंगल नाम संवत्सरे। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इस साप्ताहिक श्री राम कथा के विराम और गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर आज का जो समारोह है, श्री राम कथा के कथा व्यास जिनके श्रीमुख से पिछले एक सप्ताह में आप सभी श्रद्धालुजनों ने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की इस पावन कथा का श्रवण किया है, ऐसे कथा व्यास संत श्री बालकदास जी महाराज मंच पर विराजमान, हमारे सभी संतजन इस सभागार में भी उपस्थित, सभी हमारे संतजन प्रबोधजन और उपस्थित सभी श्रद्धालुजन और प्यारे बच्चों, आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। मैं आप सबको इस अवसर पर गुरु पूर्णिमा की हृदय से बधाई देता हूं। एक सप्ताह तक आप सबने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की इस पावन कथा का श्रवण किया है और वह भी बहुत सरल और सहज भाषा में। संत हृदय बालकदास जी महाराज के श्रीमुख से उनकी कथा आप सबको वर्ष में एक दो बार सुनने का अवसर प्राप्त होता ही है और इस बार गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पहली बार श्री राम कथा के आयोजन के साथ उनको जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। इस कथा के लिए उन्हें भी, आने वाले श्रद्धालुजनों को भी और जो यजमान गण हैं उनको भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। हमारी भारतीय संस्कृति कितनी समृद्ध और कितनी प्राचीन है, इसके पर्व और त्योहार ही इसके उदाहरण है। अनेक पर्व और त्योहार जो भारत को और सनातन धर्मावलंबियों को उसके इतिहास की किसी न किसी महत्वपूर्ण कड़ी के साथ जोड़ देते हैं। आज वैदिक साहित्य जिस रूप में हम सबको देखने को मिलता है, जिस ऋषि की कृपा से यह सब प्राप्त हुआ, जिन्होंने वेदों को, पुराणों को, अन्य महत्वपूर्ण शास्त्रों को हम सबको उपलब्ध करवाया, ऐसे जो हमारे ऋषि थे कृष्ण द्वैपायन व्यास, उनकी जो पावन जयंती है, जो व्यास पूर्णिमा कहलाती है, वही
गुरु पूर्णिमा भी है और गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर हम सब आज यहां पर गुरु गोरखनाथ के इस पावन धाम पर एकत्र हुए हैं। कुछ चीजें हैं जो हम सबको जानने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति जानता है कि माता पिता किसी भी बच्चे के पहले गुरु हैं, उनका स्कूली शिक्षक, इसके बाद उनका गुरु आता है, पुरोहित उस गुरु परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है, बड़ा भाई भी गुरु के रूप में ही पूज्य माना जाता है और ऋषि परंपरा, संतों की परंपरा भी उस गुरु परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे यहां हमारे गोत्रों की परंपरा भी उसी के साथ जुड़ जाती है। हम लोग अपने किसी एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए दीक्षा के साथ भी जुड़ जाते हैं। इन सब के पीछे का उद्देश्य क्या है? एक ही है, जो हमें अच्छे मार्ग पर अग्रसर कर सके। माता पिता बच्चे का सबसे पहले हितेशी होंगे, बड़ा भाई हितेशी होगा, परिवार के बड़े बुजुर्ग हितेशी होंगे, स्कूली शिक्षक हितेशी होगा, पुरोहित कुल गुरु हितेशी होगा, ऋषि परंपरा हितेशी रही होगी, इसीलिए हमने उसे गुरु के रूप में मान्यता दे करके एक महत्व दिया जो हमारे अनुकूल है, समाज के अनुकूल है, देश काल और परिस्थिति से अप्रभावित है, वो हमारे लिए पूज्य हो गया। हमने उसे गुरु के रूप में मान्यता देकर के एक महत्व दे दिया। और ये परंपरा, इस तिथि को, कौन सी तिथि को हमें मनाना है, जिसने हमें हमारे वैदिक साहित्य के साथ हम सबको सर्वसुलभ करा करके जोड़ा, ऐसे महर्षि वेदव्यास के नाम पर हम लोगों ने गुरु पूर्णिमा के इस आयोजन को अपने साथ जोड़ने का काम किया। याद रखना, बहुत बार व्यक्ति मानता है कि मैं चोरी छिपे या लुक छिप करके गलत काम कर भी दो तो कौन मुझे देख रहा है, या उसके भी अपने तरीके होते हैं बोलने के। देखिए, भगवान श्री राम ने अपने जीवन में मर्यादा को महत्व दिया। हर कार्य की एक लक्ष्मण रेखा उन्होंने तय की। संबंधों का निर्वहन करने का एक जीवन जीने का जो सही तरीका है वह उन्होंने हमें सिखाया। कृष्ण ने हमें कर्म करने की प्रेरणा दी, लेकिन कर्म भी कैसा, कर्म अक्सर कैसा होता है, हम दो प्रकार के कर्म करते हैं भाई। एक तो हमारा कर्म क्या होता है कि हम हर कार्य को करते हैं तो प्रयास करते हैं कि करो कम लेकिन हाईलाइट ज्यादा हो, लोग उसको ज्यादा महत्व दें। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, निष्काम कर्म की बात की, कर्मणे वादिका रस्ते मां भले सु कदाचन। उन्होंने कहा कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। अच्छा कर्म करेंगे अच्छा फल आपको अवश्य मिल जाएगा, बुरा करेंगे बुरा भी मिलेगा। और इसलिए शास्त्र हमेशा इस बात को कहता है, हमारी गुरु परंपरा यही कहती है, अवश्य में ही भोक्तव्यम कृते कर्म चराचरम। जैसा कर्म करोगे उसके फल से कभी वंचित नहीं हो पाओगे। अच्छा बनने का प्रयास, जीवन में
सच्चा गुरु वही जो सही मार्ग पर आपको ले चलने के लिए प्रेरित कर सके। महत्व तो इस बात का नहीं कि आपके पास धन धान्य कितना है, महत्व तो इस बात का नहीं, अगर आप प्राचीन साहित्य पढ़ेंगे धन धान्य का उसमें उतना महत्व नहीं। समृद्धि अपने प्रयास से, अपनी सार्थक मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से, लोक कल्याण के लिए हम जितना अर्जित करें वो अच्छा है, लेकिन गलत तरीके से नहीं, गलत मार्ग का अनुसरण करके नहीं। अगर गलत तरीके से हम करते हैं तो उस पाप के कृत्य से हम वंचित नहीं रह पाएंगे। पुण्य कर्म करते हैं अपनी मेहनत से, अपनी परिश्रम से, अगर कोई कार्य करते हैं और किसी गरीब का, किसी वंचित का उपकार करते हैं, जीव मात्र की दया के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, तो उसका लाभ भी किसी न किसी रूप में हमें अवश्य प्राप्त हो जाएगा। और इसीलिए शास्त्र कहता है कि अवश्य में ही भोक्तव्यम कृते कर्म चराचरम, अवश्य ही भोगना पड़ता है। गलत करेंगे तो गलत दुष्प्रभाव भी पड़ेगा, अच्छा करेंगे उसके पुण्य से भी आपको कोई वंचित नहीं कर पाएगा। और एक गुरु हमें हमेशा सही मार्ग पर चलने की ही प्रेरणा देता है। हमारा दायित्व क्या है? हम अगर एक मनुष्य हैं, मनुष्य के बारे में क्या मान्यता है? मनुष्य के बारे में तो ये मान्यता है कि सृष्टि का सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति है, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति में से एक है। अगर सर्वश्रेष्ठ कृति है तो हमें अपने कार्यों के माध्यम से इसे साबित भी करना होगा। अपने कार्यों के माध्यम से इसे साबित करना होगा। आज हो क्या रहा है? मनुष्य अपने कर्मों से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित नहीं करना चाहता, अधिकाधिक धोखेबाज बनना चाहता है, गलत तरीके से अपना करके अधिक से अधिक समृद्धि का मार्ग अपनाना चाहता है, गलत तरीका अपना करके, शॉर्टकट का रास्ता अपना करके वह मंजिल में चढ़ना चाहता है। वह कभी उसको आत्मिक संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। कोई भी भारत का शास्त्र इस बात को महत्व नहीं देगा, कोई भी भारत का ऋषि परंपरा इसको कभी महत्व नहीं देगी। और इसलिए हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हमारे लिए जो मेरे लिए अनुकूल हो, शास्त्रों के वचनों का पालन करते हुए, मेरी ऋषि परंपरा के वचनों का पालन करते हुए, भारत के उन अवतारी विभूतियों के वचनों का, उनकी मर्यादाओं का, उनके कर्म का पालन करते हुए हम जो आचरण करें वह मेरे लिए भी अनुकूल हो, मेरे परिवार के लिए भी अनुकूल हो। लेकिन केवल मेरे परिवार के अनुकूल हो और समाज के लिए अनुकूल न हो तो फिर आपका उससे भी उपकार नहीं होने वाला है। हमारा कोई भी कर्म हो जो समाज के लिए अनुकूल होगा, राष्ट्र के लिए अनुकूल होगा, धर्म के लिए अनुकूल होगा, वह आपके लिए भी अनुकूल अवश्य हो जाएगा। और इसीलिए कोई भी कर्म करें, सनातन धर्म की इतनी लंबी परंपरा, इतनी समृद्ध परंपरा, 5000 वर्ष पहले महर्षि वेदव्यास इस धराधाम पे थे, एक लंबे समय तक उन्होंने उस कालखंड में, उन्होंने उस समय कई पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व किया, सभी ग्रंथों को संग्रहित किया, वेदों को, पुराणों को,
उनका संग्रह करके उसे लिपिबद्ध करके वर्तमान पीढ़ी के लिए उसे अनुकूल बना दिया। 5000 वर्षों के इस इतिहास को आज गुरु पूर्णिमा के रूप में आप इस आयोजन के साथ जुड़ करके अपनी ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, 5000 का इतिहास दुनिया के अंदर कितने लोगों का है? कितने लोगों के पास 5000 वर्षों का अपना इतिहास है? नहीं है। और यह तो कालखंड है, कौन सा? द्वापर और कलयुग के संधि काल है। यह उस संधि काल का समय है जब एक तरफ द्वापर का अवसान होता है, कलयुग का प्रारंभ होता है। महाभारत का एक युद्ध होता है और युद्ध के बाद आज भी आप देखते होंगे उस समय महर्षि वेदव्यास ने जो अपना अंतिम पुराण रचा, श्रीमद् भागवत महापुराण, आज भी मोक्ष का, मुक्ति का उससे पवित्र ग्रंथ दूसरा नहीं माना गया। हम उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं, अपनी ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं, अपनी उस परंपरा के प्रति। भारत की ऋषि परंपरा कभी अपने लिए नहीं जी, लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए। और इसलिए हम सब का भी दायित्व तो क्या होना चाहिए, मुझे लगता है कोई भी भारत का सनातन धर्मावलंबी नहीं होगा जिसने अपना नाम और अपना गोत्र भारत की ऋषि परंपरा के साथ जोड़ करके न देखा हो। कोई ना कोई ऋषि हमारे साथ जुड़ जाता है। जब हम गोत्रों की बात करते हैं तो जाति भेद अपने आप समाप्त हो जाता है। एक ही गोत्र अलग अलग जाति के लोगों के पास भी, क्योंकि हम ऋषि के साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।